अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई लोग, आप जैसा कि देख सकते हैं अभी हम किट शीट में, मैं तो नहीं खेल रहा, हमारी ये जिसको मैंने स्पॉन्सर किया हमारी वॉ हॉक्स की टीम, वो उनका क्वार्टर फाइनल हो रहा है, वो लोग खेल रहे हैं इस टाइम क्रिकेट। और यहाँ पे जनाब सपोर्टर बहुत सारे आए हुए हैं, और 174 का टारगेट है। और स्कोर कितना हो गया जी जुहैर भाई? ये जी हमारे कैप्टन है एवरी रह गई है रन बॉल रह गए, और ये हमारे आसिम भट्ट माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं जी। थैंक यू भाई। तो तकरीबन 80-90 के करीब स्कोर हो चुका है ऐसे ही है, और बस विनिंग मूवमेंट के करीब करीब है, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे हम लोग। तो मैंने कहा यार आज यहाँ से व्लॉग भी शुरू कर दिया, तो आपको मैच के भी मनाज़िर दिखाते हैं साथ साथ, आप लोग इंजॉय करें। चलो मारो एक बना इसकी वीडियो है। चलो जाके देखें जी, वो हॉक्स के सपोर्टर माशाल्लाह। और PUF शोहदा टूर्नामेंट हो रहा है, और माशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में हमारी ये टीम पहुंच चुकी है, और इंशाल्लाह अब सेमीफाइनल में इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वालिफाई हम लोग कर जाएंगे आपसे कुछ देर में इंशाल्लाह, क्योंकि स्कोर बहुत कम रह गया है और बॉल्स भी हमारे पास हैं, ओवर्स भी हैं। इधर भी जी हमारे सपोर्टर बैठे हैं, ये देखें अदनान भाई हमारे बैठे हुए हैं, राजा रमीज, शेख सुबान, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मजा आ रहा है फिर मैच एंजॉय कर रहे हैं आप? क्या हो वो पीछे भी हमारे सपोर्टर बैठे हैं जी, और ये मैच चल रहा है। ओ जी ये हमारे इसी तरह बाउंड्री होगी, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन अरहम। अरहम कैसे हैं जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस जीत के करीब है आप लोग हैं, मैंने भी साथ व्लॉग शुरू कर दिया है, मैंने जो व्लॉग भी होना चाहिए तो प्रॉपर एक व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह नबी भाई की बनाई वीडियो माशाल्लाह बहुत प्यारा खेल रहे हैं। हाँ जी, और नबी भाई भी खेल रहे हैं हमारी साइड से, और वो पिशावर जलमी के गालबन प्लेयर हैं। हाँ, पिशावर जलमी से वो खेलते हैं, वो भी खेल रहे हैं इस टाइम, सही फॉर्म उनकी चली हुई है और बाउंड्री शाउंड्री लगा रहे हैं, और इसी तरह माशाल्लाह एक और कैश ड्रॉप हो गया जी। तो जी ये मैच है चल रहा है, साथ साथ आपको मैच भी एंजॉय कराते हैं, साथ साथ आप लोग इधर शोगल मेला भी देखें हमारा। ये जी बैटिंग हैंड पे जो है नबी गुल है, नहीं बल्कि दूसरे भाई हैं। साइड वाला
शॉट है यार, ये देखें जी हमारी टीम के प्लेयर्स, इनके चेहरों में खुशियां चेक करें। और ये हमारे रजा शाह हैं जी। बोलो क्यों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हमारी टीम के प्लेयर रजा, कैसा लग रहा है जी आपको? सर बहुत मजा आ रहा है मैच जीतने, और बस अब तुम लोग सेमीफाइनल में इंशाल्लाह सर आपकी सपोर्ट और दुआओं से इंशाल्लाह सेमीफाइनल पहुंचेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। और लास्ट मैच में इन्होंने कैच बहुत जबरदस्त पकड़ा था जी, मैच भी नहीं कैच था। और अभी जनाब मैच साथ साथ चल रहा है, स्कोर की क्या रिपोर्ट है? स्कोर की रिपोर्ट इस ओवर के बाद अपडेट। ओके आतिफ कुछ क्या है आते, स्कोर की क्या रिपोर्ट है? स्कोर 120 हो गया, 22 रहेगा, 16 ओवर चल रहे हैं। 22 स्कोर है, 22 रहेगा, 24 पे 22 रह गए जी, 24 पे 22। और माशाल्लाह दो ही विकेटें अभी तक गिरी हैं हमारी, ज्यादा नहीं गिरी। राजे जी क्या कहेंगे आप मैच के बारे में? सर बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है, वो देखिए आउट होने वाला है और बच गया। नहीं नहीं आउट क्यों होने वाला? हमारे अदनान भाई देखिए फुल फोकस रखा हुआ उन्होंने मैच में, शेख साहब। शेख साहब कौन जीतेगा मैच? इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। है राजी जी, इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। हाँ जो भी जीते जी पाकिस्तान की जीत होगी। अदनान भाई आप क्या कह रहे हैं? खान जीतेगी। और हाँ बाय द वे आप लोगों को बता दें कि ये अदनान भाई जो हमारे हैं ना, वो ये अरसलान एफसी वागे फुटबॉल की जो है ये जो वाह की अरसलान एफसी फुटबॉल की टीम है, उनके प्लेयर हैं। और पीयूएफ वालों ने फुटबॉल का भी टूर्नामेंट कराया था, और ये अरसलान एफसी हमारी विनर्स है और ये जीते हैं। और आज ये मैच देखने आए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे थे तो आज ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और अब माशाल्लाह 17 स्कोर रह गए जी, और तकरीबन 20 के या 21 बॉलें रहती हैं और उस पर 17 स्कोर रह गए। बाकी मैच दिखाते हैं आपको। वो जी प्यारी शॉट मारी है जी, बहुत जबरदस्त रोडा टेक के। क्यों जी शेखा जी? वेल प्लेड यार। हमारे जो यार ये बहुत जबरदस्त मैच मीनिंग परफॉर्मेंस की है इन्होंने, बहुत जबरदस्त खेले हैं, लेकिन अभी हार्ड लक हुई है इनके साथ।
ये जी नबी गुल जो पिशावर जर्मी की तरफ से भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इन्होंने। कोताला जी सिक्स हुआ, 4 रन रह गए जी जीतने के लिए और 2 ओवर रहते हैं अभी। शाबाश 3 रह गया या 3 शाबाश। बारह बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए जी और मैच बस एंड पे है। ग्यारह बॉलों पे 2 स्कोर। और ये जी जबरदस्त ये जी माशाल्लाह मैच हम लोग जीत चुके हैं। शहाबा कैप्टन बहुत आले आजा मलकी आजा बॉय। ये जी माशाल्लाह हमारी टीम जीत चुकी है और इस टाइम मीटिंग चल रही है इनकी। भाई हमारे जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं और नबी गुल भाई बहुत जबरदस्त इन्होंने माशाल्लाह खेला। कितने स्कोर किए जी इन्होंने? 80 80 रन इन्होंने किए हैं और बहुत यार बहुत अच्छा प्ले किया आपने। अपने व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें, कोई भी पश्तो में दे दें, दोनों आप आप दें ना, आप खेलें परफॉर्मेंस के वाले से कोई पैगाम। नहीं नहीं वैसे ना तो तू है तो कप्तान ही करे यार कप्तान। असल में भाई को आती नहीं है उर्दू। असल में नबी भाई को उर्दू नहीं आती तो नबी भाई ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी दुआ में याद रखे, क्योंकि नबी भाई माशाल्लाह फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह करे PSL में परफॉर्म करके पाकिस्तान खेले। तो सब भाइयों से गुजारिश है नबी भाई को जो है ना खास दुआ में याद रखे। माशाल्लाह आज तक जितने भी प्लेयरों से मैं मिला हूँ खुश दिल जितने भी फर्स्ट क्लास पाकिस्तान प्लेयर है इस जैसी आजिज़ी मैंने किसी में नहीं देखी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस पर कि यह हमारा पठान भाई है। और इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हर दुआ में मैं इसको याद रखूंगा, अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द पाकिस्तान खेले और पठानों का और पाकिस्तान का नाम। बिल्कुल बिल्कुल आप भी कोई एक पश्तो में दे दो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदा। जी तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कल इंशाल्लाह हमारा सेमीफाइनल होगा और कोशिश करेंगे आपको उस वाले से भी थोड़ा सा दिखाएं।
और उसका भी आपको बताएं, और आप लोग भी दुआ करिएगा यार कि हमारी टीम जो है ये वॉहॉक्स और फर्स्ट टाइम ये जो है ना इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रही है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सेमीफाइनल तक पहुंच गए। तो कल के लिए भी आप लोग दुआ करिएगा कि कल हमारी टीम जीते और फाइनल में पहुंचे। तो तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।